नागर एंड स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन पे। आज का टॉपिक हम आपके लिए लेके आए हैं हाउ टू डिजाइन अ फिक्स्चर ऑन नॉकआउट बेसिस। तो इसके लिए सबसे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि फिक्स्चर क्या होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ जब टूर्नामेंट्स होते हैं, मैचेस होते हैं, तो प्री डिसाइड एक प्लान होता है कि कौन सी टीम किसके साथ खेलेगी, कब खेलेगी, इसी को हम फिक्स्चर कहते हैं। वो किस तरह से डिजाइन किया जाता है, उसमें कई मेथड्स हैं। नॉकआउट टूर्नामेंट है, लीग टूर्नामेंट है, बढ़िया हम बात करेंगे सिर्फ नॉकआउट टूर्नामेंट की। अब बात करते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट क्या है। नॉकआउट टूर्नामेंट जैसे कि नाम से ही लगता है नॉकआउट, कि जिसमें जो प्लेयर या जो टीम हार जाती है वो इमीडिएटली बाहर हो जाती है, इसको एलिमिनेशन टूर्नामेंट भी बोलते हैं। तो जो टीम जीतेगी सिर्फ वही टीम आगे जाएगी। तो किस तरह से ये डिजाइन किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल चलो नंबर ऑफ टीम्स ले लेते हैं। नंबर ऑफ टीम्स लेट्स टेक इट 13 हम टीम्स लेते हैं कि एक टूर्नामेंट होने जा रहा है जिसमें 13 टीम्स आ रही हैं। अब वो टूर्नामेंट नॉकआउट टूर्नामेंट होगा तो उसका फिक्स्चर कैसे डिजाइन करते हैं। नंबर ऑफ टीम्स हमारे पास है 13। तो सबसे पहले हमें जो चीज निकालनी होगी वो हमें निकालनी होगी कि बाय कितनी दी जाएंगी। अब बाय क्या होता है, बाय आपने सुना होगा, बाय होता है एक तरह से एक डमी टीम जो एक्ट करती है कि वो इस फिक्स्चर के अंदर है, एक्चुअली वहां कुछ नहीं होता है। एक डमी टीम हम बाय देते हैं ताकि दूसरी टीम जो है उसको एडवांटेज मिल सके, वो उस राउंड में ना खेले। और नॉकआउट टूर्नामेंट में सारी बाय सिर्फ फर्स्ट राउंड में दी जाती है, आगे राउंड्स में नहीं दी जाती है। तो वो बाय कितनी होंगी, किस तरह से निकालेंगे। तो सबसे पहले नंबर ऑफ टीम्स हमारे पास 13 है, तब हम देखेंगे इसके इमीडिएट बाद में 2 की पावर कितनी लगती है। जैसे 2 × 2 = 4 इससे कम है, × 2 = 8 इससे कम है, × 2 = 16 इससे बड़ा है और इमीडिएट आता है। तो जो बाय है वो हमारी यहां से निकलेगी, यहां से पहले हम निकालेंगे इसको। ये हमारे पास आ गया 16। तो नंबर ऑफ बाय का फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर − नंबर ऑफ टीम 16 − 13। हमारे पास बाय कितनी आई, हमारे पास बाय आ गई 3 बाय। सेकेंड हमारा क्वेश्चन बनता है कि नंबर ऑफ राउंड्स कितने होंगे। ये भी हम यहीं से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जितनी 2 की पावर है 1, 2, 3, 4 इट मींस हमारे पास जो नंबर ऑफ राउंड्स होंगे वो 4 होंगे। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इस तरह के क्वेश्चंस 11, 12 में पूछे जाते हैं, यहां तक कि बीएससी बीपीएड में पूछे जाते हैं, साथ ही केवीएस एनवीएस डीएसएसबी के जो फिजिकल एजुकेशन टीचर के एग्जाम है उसमें भी अक्सर पूछा जाता है कि सपोज अगर आपके पास 13 टीम है तो कितनी बाय दी जाएगी, ऑप्शन दिए जाते हैं। सेम आपके पास नंबर ऑफ राउंड्स आगे 4, नंबर ऑफ बाय आगे 3 और नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे। नंबर ऑफ मैचेस बहुत सिंपल है, नॉकआउट टूर्नामेंट है तो उसमें हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ जो टीम्स आई हैं माइनस वन यहां कर देंगे, 12 मैचेस हमारे बनेंगे। अब डिजाइन कर लेते हैं फिक्स्चर को। फिक्स्चर बनाते हुए हमें करना क्या है, हमें जब भी इस तरह का नंबर आता है, ऑड नंबर है हमारे पास, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, तो हम जब फिक्स्चर बनाएंगे जब उसको अपर हाफ एंड लोअर हाफ में डिवाइड करेंगे, बताता हूं। जैसे कि हमारे पास 13 टीम्स हैं तो हम ये पहले लिख लेते हैं 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13। तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, अपर हाफ एंड लोअर हाफ। अपर हाफ का फॉर्मूला रहता है n+1/2 एंड लोअर हाफ का फॉर्मूला रहता है n − 1/2। यहां पे n जो है वो है नंबर ऑफ टीम्स, नंबर ऑफ टीम्स हमारे पास 13 थी, 13+1 = 14/2 = 7। 13 लोअर हाफ पे जब निकालेंगे 13 − 1/2 = 6। तो हमारे पास अपर हाफ में कितनी टीम्स रहेंगी, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये लोअर हाफ में रहेगी 6। तो हम यहाँ एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कि ये हमारा अपर हाफ हो गया, ये हमारा लोअर हाफ हो गया। अब हमें देनी है बाय। हम बाय जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो एज पर रूल्स, जो रूल्स है उसके हिसाब से हम पहली बाय देते हैं सबसे नीचे, ये फर्स्ट राउंड है। हमें बाय कितनी देनी थी, 3 बाय हमने निकाली थी। पहली बाय आएगी सबसे नीचे, दूसरी बाय आएगी सबसे ऊपर, देन थर्ड बाय आएगी इमेजिनरी लाइन के बिल्कुल पास। ये हमने तीनों बाय डिस्ट्रीब्यूट कर दी। क्या होता अगर नंबर ऑफ टीम ज्यादा होती है कम होती, आप इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। सपोज अगर हमारे पास 5 बाय आती, नंबर ऑफ टीम 11 होती,
तो हम पहले नीचे देते हैं, फिर सबसे ऊपर देते हैं, फिर इमेजिनरी लाइन के क्लोज नीचे से, इमेजिनरी लाइन के क्लोज ऊपर हाफ से, देन अगेन फिर जो बैक से सबसे उसके बाद नंबर आता है हम उस पर देते हैं। हमारे पास तीन बाय हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी। अब मैचेस किस तरह से होंगे, फर्स्ट राउंड में टीम वन को बाय मिल गई, ये नहीं खेलेगी, तो फर्स्ट राउंड के अंदर टू वर्सेस थ्री हो जाएगा, फोर वर्सेस फाइव हो जाएगा, सिक्स वर्सेस सेवन हो जाएगा, एट को बाय है, नाइन वर्सेस टेन हो जाएगा, इलेवन वर्सेस ट्वेल्व हो जाएगा। फर्स्ट राउंड हमारे मैचेस हो गए। सेकेंड राउंड की बात करते हैं इस टीम का जिसको बाय मिली थी, और टू वर्सेस थ्री से एक विनर निकल के आएगा, तो इन दोनों का मैच हो जाएगा। देन फोर वर्सेस फाइव का मैच हुआ, एक विनर निकल के आया, सिक्स वर्सेस सेवन का मैच हुआ, एक विनर निकल के आया, इन दोनों का मैच हो जाएगा। एट को बाय मिली थी फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में ये खेलेगी नाइन वर्सेस टेन का, जो विनर निकल के आया है उससे। देन इलेवन वर्सेस ट्वेल्व से जो विनर निकल के आया है वो खेलेगी थर्टीन के साथ, क्योंकि इसको बाय मिली थी। ये सेकेंड राउंड हो गया। थर्ड राउंड पे आते हैं, इन दोनों से एक विनर निकल के आएगा, इन दोनों से एक विनर निकल के आएगा, ये दोनों आपस में कंपीट करेंगे। यहाँ इधर से एक बिना निकल के आएगा, इधर से एक बिना निकल के आएगा, ये दोनों आपस में कंप्लीट करेंगे। देन फोर्थ राउंड हमने निकाले थे, नंबर ऑफ राउंड्स कितने आए थे, फोर, लास्ट राउंड है। एक बिना यहां से निकल के आया, एक बिना यहां से निकल के आया, दोनों का मैच हो गया, फाइनली हमें विनर मिल गया। बहुत ही ईजी मैथड है, बहुत ही सिस्टमैटिक है, एक बार ही आपको समझना है, लाइफ में कभी भी मार नहीं खाएंगे इस फिक्स्चर को बनाने में। आई होप ये मैथड आपको समझ में आया होगा, और अगर इस आपको लगता है कि इस वीडियो ने कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करी है, आपको एजुकेट करा है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे एक रेड कलर का बटन है उसे प्रेस कीजिए, साथ में एक बेल आइकन है उसे दबाइए। उससे होगा क्या कि हमारे चैनल पे जो भी नई वीडियोस आती हैं वो आपके मोबाइल स्क्रीन पे खुद से शो करेगा, वो आपको नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आ जाएगा, आप उसको देख सकेंगे आगे और उसे सीख सकेंगे। हिट रहे, फिट रहे, जय हिंद।